पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कि यूनिट क्या होता है और टाइप्स ऑफ यूनिट बात कर चुके हैं, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में कुछ बैकग्राउंड्स हैं जिसके बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ हिस्ट्री है। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसको मैनेजमेंट कौन करता है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम लोग जानते हैं उसको डिफाइन कौन करता है, क्या इस पर कोई कॉन्फ्रेंस होता है या फिर कोई कमेटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी कहानी हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि मास को डिफाइन करना, टाइम को तो डिफाइन पॉसिबल नहीं फिर भी डिफाइन करना। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और ये प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। हम लोग पढ़े हैं कि इसका यूज जो किया जाता था वो कहाँ पे, फ्रांस में इसका यूज किया जाता था। इस सिस्टम का यूज कहाँ पे, फ्रांस में यूज किया जाता था। उसी चीज को डेवलप करके इसको लाया गया। इसका मतलब ए भी कहाँ से है, तो फ्रांस से। लेकिन ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये इंटरनेशनल है, सभी लोग इसको आसानी से जानते हैं। अब समझिएगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के पीछे का राज आप समझते हैं। एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन जिसका नाम था मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन, ठीक है, मीटर कन्वेंशन। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 मई 1875 में, मतलब 1875 ईस्वी में। इसको बोलते हैं मीटर सम्मेलन हिंदी में बोले तो। और ये 20 मई 1875 ईस्वी में इस कन्वेंशन में टोटल 17 कंट्रीज शामिल हुए थे। अच्छा, टारगेट क्या था इनका, या फिर गोल कह सकते हैं, टारगेट क्या था, तो डिफाइन करना किस चीज़ को, तो मीटर को। क्या किया गया, डिफाइन करना किस चीज़ का, मीटर को। पहले जो मीटर का यूज़ किया जाता था, इसके पहले हर कंट्री में अलग अलग यूज़ किया जाता था। कहीं हाथ से मेजरमेंट किए जाते थे, कहीं एक लकड़ी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था चारों बगल और सभी लोग उससे मेजरमेंट करते थे। लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ करता था, एक फिक्स क्वांटिटी नहीं हुआ करता था, वो कभी छोटा हो जाता था। जैसे आयरन का रॉड भी देखते हैं, ठंडी के दिन में छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो ऐसे वो मैंने कह सकते हैं कि वो फिक्स नहीं हुआ करता था, एक वेल डिफाइन नहीं हुआ होता था, जिसके कारण कहीं पे डिस्टेंस कहीं छोटा हो जाता था, कहीं पे बड़ा हो जाता था, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो घर के अंदर अगर इस तरह की समस्या है तो लोग बर्दाश्त करता है, लेकिन जब ट्रेड की बात करें और एक कंट्री दूसरे कंट्री की बात करें कि भाई मुझे इससे सामान खरीदना है और उसको मुझसे सामान खरीदना है, तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि भाई मेजरमेंट कैसे करें, मैं कुछ ज़्यादा सामान उसको तो नहीं दे रहा, वो मुझे कुछ कम तो नहीं दे रहा, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो मीटर कन्वेंशन में पहला जो टारगेट रखा गया था, मीटर को डिफाइन कर दिया जाए कि मीटर है क्या। मीटर जब डिफाइन करने से पहले जब ये 7 कंट्री एक साथ बैठे, तो वहाँ पे अब बात बनने लगी कि सिर्फ मीटर को डिफाइन करने से तो बात बनने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रेड होगी तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि लेंथ में सभी चीज़ खरीदी जाएगी। तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि भाई कैसे इस चीज़ को देखा जाए, अगर मास को मेजरमेंट करना है तो कैसे उसको मेजरमेंट किया जाए। तो फ्रांस के पास में इस सिस्टम अच्छी तरह से था, CGS सिस्टम, लेकिन ये बहुत स्मॉल सिस्टम हुआ करता था, मतलब छोटे छोटे मेजरमेंट करने के लिए बहुत अच्छा था, बड़ा करना है तो फिर प्रॉब्लम होता था। इसी को फ्रांस ने डेवलप किया और MKS सिस्टम बनाया। फ्रांस ने MKS सिस्टम बनाया और यहाँ से मीटर, केजी और सेकेंड। लेकिन मीटर, केजी और सेकेंड का कोई स्पेशल डिफिनीसन नहीं हुआ करता था। आपके पास, आप जान रहे हैं इसका डिफिनीसन ए है, तो पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए, दूसरे कंट्री को भी पता होना चाहिए कि ये मीटर और केजी है क्या। तो इस तरह की समस्याएँ होती थी। ये मीटिंग बैठा, कौन सा मीटर कन्वेंशन बैठा, जिसमें 17 कंट्री जो शामिल हुए थे वो मीटर को तो डिफाइन किया, साथ में इन्होंने क्या किया, 3 कमेटी बनाई। एक कमेटी बनाया सी
जी पी एम, दूसरा सी आई पी एम और तीसरा बी आई पी एम। अब याद रखें, पावरफुल के मामले में बात करें तो ये सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद इससे सबसे पावरफुल होता है और वो सबसे कम में वो होता है। ये मेजर डिसीजन लेना होता है तो ए लेती है, तो ये मेजर किसी भी डिसीजन को लेना है तो किसी ना किसी से क्या करना होगा उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो सी जी पी एम के मेंबर होते हैं, ये कमिटी बैठाते हैं सी आई पी एम, और इनके मेंबर क्या करते हैं, वो जो भी चीज़ को चेंज करने हैं उसको ये डिफाइन करते हैं कि ये सही है या गलत है, और वो रिपोर्ट जो है इनको पेश करते हैं, और फिर ये जो यहाँ पे जो भी मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं करना है कि नहीं करना है। अब समझना है, इस सी जी एम के मेंबर कौन होते हैं, तो जो भी कंट्री जो भी है अपने अभी तक 195 कंट्री है, तो इतने कंट्री तो इसमें शामिल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री को, बहुत ऐसे देश है जो अपने को देश कहते हैं लेकिन देश वो अभी है नहीं, उनको माना नहीं गया है, यूएन उसको मानती नहीं। तो ऐसे करके इसमें जो भी देश आएंगे, जो भी देश अगर इसका मेंबर बनना चाहेंगे वो सभी इसमें शामिल होंगे। एक कमेटी, मान लो मीटर का डेफिनेशन मुझे चेंज करना है, तो एक कमेटी उस पर काम करेगी और ये रिपोर्ट इसको पेश करेगी, और यहाँ पे तो सभी देश के मेंबर बैठे हुए हैं, और सभी देश के मेंबर क्या करेंगे, उस हाँ कहेंगे तो लागू होगी, नहीं कहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, या फिर जैसे लोकसभा राज्यसभा में काम होती है वैसे यहाँ पे होगी। वी आई पी एम जो है, वी आई पी एम ये स्मॉल डेली वर्क का काम करते हैं, छोटा मोटा जो भी काम होता है वी आई पी एम ही देखती है। जैसे वी आई पी एम का हेड क्वार्टर सर्वेस में है, जो फ्रांस में पड़ता है, सर्वेस फ्रांस में है। वी आई पी एम का हेड क्वार्टर में जो मास का जो एक गोला होता था पहले, जो मेजरमेंट करते थे, जो प्लैटिनम यूरिडियम का बना होता था, वो वहीं पे हेड क्वार्टर में रखा हुआ, और पहले वो भी फेमस था, सभी देश उसी को यूज़ करते थे, मैं बात करूँगा। फिलहाल इतना समझे कि ये डेली वर्क का, ये क्या करते हैं आपको नाम से भी समझ में आएगा, ये क्या है, डेली वर्क का काम ये करते हैं। और एक कमेटी है, तो कमेटी का काम क्या होता है, हो सकता है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा, अच्छा इसमें अब सी पी जो सी आई पी एम है, इसमें मेंबर अभी कितने हैं, तो याद रखिएगा 18 मेंबर हैं। और ये मेंबर चुने कहाँ से जाते हैं, तो इसी सी जी पी एम से ही चुने जाते हैं, मतलब इसमें तो टोटल देश का मेंबर है, और ये पूरे देश के मेंबर में से ही कुछ मेंबर को चुने जाते हैं, अभी 18 मेंबर को चुने गए हैं और ये सी आई पी एम में शामिल है, और यही सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें तो भाई किसी को नौकरी टाइप का रख लिया जाता है कि भाई ये काम आपको करना है। एक इस सारी कहानी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म एक्चुअल ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, लेकिन इसको इंटरनेशनली भी एक नाम दिया गया सी जी पी एम। इसको लोग जो कहता है, फ्रांस में तो कुछ अलग कहते हैं, और फ्रांस का लैंग्वेज देखिएगा तो इसका डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो मैं लिखूंगा इसका फुल फॉर्म लगेगा कि ये तो कुछ और है, आप लिख कुछ और है, देखिएगा। इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इसका फुल फॉर्म ए होता है। अच्छा ये कब बना तो क्लियर हो गया ना, 20 मई को ही कमेटी बैठा था, 1875 ईस्वी में बना, ठीक है, ये इतना ईस्वी में बना, लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, वो हुआ था 1889 में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। अच्छा अभी तक जो लास्ट कह सकते 16 नवंबर 2018 में, और 2018 में बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया। चेंज किसका किसका किया गया, एक सेपरेट मैं बताऊंगा इस पर, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट इतना और लास्ट इतना हुआ था। दूसरे का फुल फॉर्म कौन है, तो सी आई पी एम, ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर,
ठीक है, तो एक कमिटी है, ये बनाई जाती है बार बार, ठीक है ना, तो इसका कोई खास मकसद नहीं रहता कि इसके बारे में कुछ जाना जाए। एक कुछ हद तक, अब तीसरा जो है BIPM, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। याद भी रखना इसको, क्या आसान है एकदम, क्या क्या है, एकदम आसान है इसको याद रखना। देखना जनरल कॉन्फ्रेंस, इसका तो फुल, ये तो आधा फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म इधर देख लेना है। सिर्फ ए वाला वर्ड चेंज होगा, लास्ट में तो दो सेम ही रह रहा है सब में, सब में। अब यहाँ देखो, जनरल कॉन्फ्रेंस तो याद रहेगा, तो यहाँ इंटरनेशनल, और सिर्फ इसमें कमिटी डालना है, ये भी तो इंटरनेशनल है, दूसरे में ब्यूरो डालना है, बल्कि सब सेम ही चिपका देना है। अब समझना, ये जो है इसका हेड क्वार्टर ये जो है कहाँ पे बोला हूँ मैं, सौरेज में, SEVRES, फ्रांस। क्योंकि छोट मोट जो भी काम होती है, रेगुलर का काम यही करता है, तो इसलिए इसका हेड क्वार्टर इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे जो पहले मेजरमेंट किया जाता था, मास को जो मेजरमेंट किया जाता था, कब, 2019 के पहले, वो जो सिलिंड्रिकल जो होता था, जो अलॉय का बना हुआ था, किस तरह का, प्लैटिनम, इरिडियम अलॉय का ये बना हुआ था, अलॉय, एक क्या होता था, 1 kg ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, इसके ऑफिस में इसी चीज़ को रखा हुआ है, सेव करके इसको रखा गया, ठीक है। अब तो 2018 में डिफिनेशन चेंज हो गया, कहानी चेंज हो गई, तो अब इसको, अब ये तो धरोहर ही हो गया, क्योंकि इतना दिन यूज़ किया गया, तो ये धरोहर है और ये फ्रांस में है। अच्छा, अब डिफिनेशन क्या चेंज हुआ, हम लोग बात करेंगे। अब इतना तो समझ में आया कि इसका नाम AA है। मेजर चेंज कौन कर सकती है, CGPM ही चेंज करती है, नहीं तो उसको लिखना है, वो क्या कर, डिलीवर का काम करती है। तो मेजर काम हमको एक इस पर याद रखना, CGPM का मीटिंग फर्स्ट तो आपको पता है कि कब हुआ था, 1889 ईस्वी में, एक 1960 ईस्वी में 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बता रहा हूँ, जिसमें 6 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इसका यूनिट को SI यूनिट में शामिल किया गया, SI सिस्टम में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये 6 यूनिट आप तो जानते हैं, 7 यूनिट बात करेंगे, फिलहाल 6 यूनिट इसमें कब शामिल किया गया, 1960 ईस्वी में, कौन सा कॉन्फ्रेंस था, 11th था। अच्छा, ये कौन कौन था, तो टाइम का, मास के बाद इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, 2, 4, 5, एक और कौन सा, लेंथ, ठीक है। तो 6 क्वांटिटी को SI यूनिट में शामिल किया गया, और इस सभी का एक डेफिनेशन दिया गया कि इस चीज़ को हम लोग मानेंगे, कौन चीज़ है, SI यूनिट है, और इस चीज़ को 1 meter मानेंगे। मान लीजिए ये टाइम को मेजरमेंट करना है, तो 1 second किसको मानेंगे, ए केजी को, 1 kg किसको मानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर किसको मानेंगे, उसी तरह टेम्परेचर तो कैल्विन, तो कैल्विन किसको मानेंगे, उसी तरह ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तो एक कैंडेला, तो कैंडेला किसको मानेंगे, और उसी तरह लेंथ किस चीज़ को मानने वाले हैं, तो लेंथ मतलब मीटर, ये 1 meter क्या है। तो ये सारी डेफिनेशन दे करके शामिल कर दिया गया 1960 ईस्वी में, कुछ अलग अलग डिफिनेशन दिए गए। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 ईस्वी में, जो ए 14th कॉन्फ्रेंस था, जिसमें एक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ज्वाइन किया गया, जिसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। इसको कब शामिल किया गया? तो 1971 ईस्वी में। कौन सा कॉन्फ्रेंस था, किसका कॉन्फ्रेंस? CGPM का, जिसमें इसको शामिल किया गया। और इसका यूनिट डिफाइन किया गया क्या होता है? मोल होता है। और वन मोल क्या होता है? तो ये कहानी डिफाइन किया गया। अब टोटली अभी तक 2021 तक इतना ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है। अब इसको याद रखना होगा, टाइम, मास, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ और ये सातवां नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब अब पूछा जाएगा कि अभी तक कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, तो आपको याद रखना होगा 7। तो यूनिट कितने होंगे? तो 7। अब देखिएगा, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करने के लिए मोल है, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकेंड है, मास को मेजरमेंट करने के लिए केजी है, इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर है, टेम्परेचर को केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD और लेंथ का मीटर। तो इतना हम लोग को समझ में आया कि कब तक शामिल हो गया 7 फिजिकल क्वांटिटी, तो 71 तक। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 26th कॉन्फ्रेंस, 16 नवंबर, कब? 2018 में। ये जो था 26th कॉन्फ्रेंस था ऑफ किसका? CGPM का। इसमें क्या किया गया? मास का डेफिनेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी का, टेम्परेचर का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिफिनेशन यहाँ से चेंज किया गया। चेंज किया गया किस चीज़ का? चेंज डिफिनेशन। ठीक है, एक डिफिनेशन चेंज कर दिया गया। ये सभी का डिफिनेशन जो पहले था, मतलब जैसे 1 kg, तो 1 kg जो डिफिनेशन पहले था उसका डिफिनेशन चेंज कर दिया गया। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, तो 1 ampere कितने के बराबर हुआ वो भी चेंज कर दिया गया। एक केल्विन, 1 kelvin कितना के बराबर होगा उसको भी चेंज किया गया। और मोल, 1 mole कितना के बराबर हो गया तो उसको भी चेंज हुआ। जो पहले था उसको चेंज करके कुछ नया सा रखा गया। अच्छा, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाता था? पहले का जैसे मास का आपको एक एग्जांपल दे दूँ, तो मास का एक क्या कर रहा था, प्लैटिनम यूरिडियम का एक अलॉय बनाया गया था। वो क्या होता था, वो धीरे धीरे से उसका जो वेट है माइनर कम होता था। जैसे 50 साल के बाद देखा गया था कि वो जो प्लैटिनम यूरिडियम का जो सिलिंड्रिकल जो बॉक्स होता है उसका वेट लगभग 50 माइक्रोमीटर, समझिए कितना छोटा अमाउंट में कम हुआ, मतलब एक बाल उठा ले तो उसका वजन जितना होगा उतना अमाउंट कम हुआ था। साइंटिस्ट को इस बारे में पता चला कि इसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है क्योंकि धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हर जगह क्या होगा, ये समस्या हो जाती थी कि भाई पता नहीं यहाँ कम हो गया कि लोग का बढ़ गया, बहुत सारी की समस्या होती थी। तो ये जो कमेटी है बहुत सारे बात सोची और इस सारी कहानी को एक डिफाइन करने का प्रयास किया कि भाई ऐसे नहीं कुछ हम लोग अलग करते हैं जहाँ पे एक कांस्टेंट रहे, ये वैल्यू चेंज ही ना हो, वेल डिफाइन हर जगह रहे। तो कुछ ऐसा ढूंढा इन्होंने, और जैसे मास का प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर रखा गया, प्लैंक कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, अब जैसे लाइट का स्पीड कभी कम होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, सिम रहने वाला है। तो उससे रिलेशन रख दिया किसका? मीटर का। ऐसा ही करके कुछ ऐसा क्वांटिटी ढूंढा और उन्होंने उससे रिलेट किया और कहानी आगे बढ़ाया। तो अब इसका इस कितने क्वांटिटी का नाम डिफिनेशन चेंज किया गया? 2 और 4। और ये जो लागू हो जाएंगे ये कब से लागू होंगे? ये कहा गया कि ये लागू हो जाएगा कब से? 20 मई 2019 से ये डिफिनेशन पुराने का जो है ख़त्म हो जाएगा और नया वाला जो डिफिनेशन है वो लागू हो जाएगा। तो कब लागू होगा ये भी कहानी आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा मोरा इसके ऊपर मैं भेज देता हूँ, थोड़ा मीटर को डिफाइन करता हूँ, केजी को डिफाइन करता हूँ। जैसे फर्स्ट में हम लोग मीटर को कहते हैं, तो मीटर का तो चेंज हुआ नहीं था, मीटर को जो पहले था आज भी वही मीटर। मीटर को एक्चुअली डिफाइन किया गया कि 1 meter जो होगा 1/299.798 मतलब इतना सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसको देख लेंगे ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट,
और स्पीड ऑफ लाइट है तो आप तो जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली यही है, इसको राउंड ऑफ करके लिया जाता है ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को ऊपर, 8 को 0 हो जाएगा राउंड ऑफ करेंगे तो इसको ऐसे लिया जाता है। तो कहा जाता है कि इतना सेकेंड में, 1/ इतना सेकेंड में अगर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। तो ये आपको याद रख सकते हैं, मीटर का डेफिनेशन कुछ ऐसा दिया गया, अब समझिए। दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं मास को, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो मास जो पहले डिफाइन किया गया था, क्योंकि अब तो कुछ नया है, 2019, चले ये क्या था, एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय था, ठीक है, ये बनाया गया था प्लैटिनम इरिडियम से मिला करके अलॉय बनाया गया था, और एक वजन का, एक फिक्स वजन का एक सिलिंड्रिकल बॉक्स बनाया गया था, ठीक है, मास बनाया गया था, और उस मास को कहा जाता है कि 1 kg के बराबर होगा। अब क्या किया गया, इस सिलेंडर का वजन का एक छोटा छोटा सैंपल बना के सभी देश को भेज दिया गया कि आप 1 kg मतलब इतना होगा, इन 1 kg मतलब इतना होगा। तो ये समस्या सब जगह क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उस समय बहुत दिन तक ये काम दिया, और ये अब जो है इसका डिफिनेशन चेंज हुआ। तो इस तरह से पहले को मेजरमेंट किया जाता था, अब जो है आफ्टर की हम लोग बात करें, है ना, 2019 के बाद की बात करें, तो मास को इन्होंने डिफाइन किया, आपको पता होगा E इज़ इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी है, याद रखें E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट कह सकते हैं, A क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, 1/time इसका फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी इसका। अरे ये बीच वाला जो होता है इसी को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और इसी को कहा गया कि 1 kg के बराबर, 1 kg प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, प्लैंक कांस्टेंट का एक वैल्यू है 1, अगर प्लैंक की बात करें, ठीक है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट, ये जो एच है प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू इतना है, ठीक है, इसका वैल्यू अपने पास आसानी से ये मिल के बाद मिल जाता है। और ये प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब प्लैंक हिंदी में बोले तो प्लैंक नियतांक बोलते हैं, तो ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, तो कहानी समझ में आ गया, और ये कभी चेंज नहीं होता है। एच इक्वल टू एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी, और आप इसको एच से रिलेशन करें तो एम सी स्क्वायर, आप जानते हैं क्या, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, रिलेटिविटी पढ़े हैं तो आइंस्टाइन के लॉ पढ़े हैं, और ये हो गया कॉन्शियस लॉ। तो यहाँ से इसको मास से रिलेट किया गया और कहानी यहाँ से लाया गया, तो ये 1 kg के ऐसा डिफाइन कर दिया गया, अभी का डिफिनेशन ये चल रहा है, ठीक है, ये कहानी समझ में आया। एम्पियर को देख लीजिए, है ना, एम्पियर को कैसे डिफाइन करता है, एम्पियर जब भी लिखते हैं तो स्मॉल लिखता है लोग, ठीक है, पहले एम्पियर था कि यहाँ पे प्लस चार्ज, एक मान लीजिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है, और एक चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को पुश करेंगे तो भी फोर्स लगाएंगे, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ऐसा फोर्स लगाएंगे, जो अंदर में जो फोर्स लगाएगा उसी को 1 एम्पियर माना जाता था। तो यहाँ पे जो आता था 2×10⁻⁷ आता था, ठीक है ना, तो इस तरह का ये भी बहुत ज़्यादा समस्या होती थी इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए। तो अब जो एम्पियर को डिफाइन कर दिया गया वो क्या आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, और यहाँ से इसको डिफाइन कर दिया गया, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता ही है, तो यहाँ से एम्पियर को डिफाइन कर दिया गया और यहाँ से बना अपना एम्पियर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे डिफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं एम्पियर का, या फिर आगे टेम्परेचर का, ऐसे बहुत सारे सभी 7 फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन, इस पर सेपरेट लेक्चर आएगा, आप टेंशन ना लें। फिलहाल आपके जो इम्पोर्टेंस था इतना था, आप इसको समझ लें कि चेंज हुआ तो क्या क्या नया लाया गया। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कैसे यूनिट फाइंड आउट किया जाता है और कैसे डायमेंशन फाइंड आउट किया जाता है, तो क्वेश्चन वाइज हम लोग 20-30 क्वेश्चन करेंगे, उस पर आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं और डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें और एंजॉय करें।